एयर वेस्ट इंडीज टीम आज साथ है। लगभग 80 लोगों का दल है इस फ्लाइट में वेस्ट इंडीज की तरफ से। और खुशकिस्मती की बात यह है कि श्रीमान धर्मेंद्र मान सर, तरुण कनौजिया सर और यंगेस्ट लीडर यूथ आइकन शिवम गोस्वामी सर के साथ आज विजिट हुई है। तो हम शिवम सर से बात करेंगे, आपसे 10 सेकंड का समय हम और चाहेंगे, तब तक मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ पीछे से। ये धर्मेंद्र मान सर देखो बीच में खड़े एकदम। हाँ शिवम सर, क्या क्या फीलिंग है जितने कम टर्न ओवर पर दिया और फ्लाइट भर भर कर थाईलैंड जा रही है? ये सिर्फ ये सिर्फ वेस्टीज की ताकत है और हमारा हार्डवर्क है। एक सही प्लेटफॉर्म और हार्डवर्क जब दोनों मिलते हैं तो ये अंजाम होता है कि पूरी फ्लाइट भर भर के थाईलैंड जाती है। तो आप भी हार्डवर्क कीजिए और तैयारी। बहुत कम टर्न ओवर पे इतिहास में पहले डॉक्टर दयानंद जी नेहरा साहब हमारे साथ हैं। नेहरा जी दो शब्द हो जाएं आपके। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभावी अंतिम प्रभाव होता है। वेस्टीज के अंदर आने के बाद में हमने जो कमाया उसके बारे में तो क्या बताएं, वो तो हमारे बैंक अकाउंट में आया। बट जो इंजॉय, आना जाना, रहना खाना पीना, रही सही, वो शायद ही कोई कंपनी कर सकती है जो वेस्टीज कर। जो वेस्टीज दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। मात्र 3 महीने में 1.5 लाख के बिजनेस पर आपको इतना बड़ा अचीवमेंट मिलता है। इंटरनेशनल टूर मिला है, के बीच 4 घंटे रहे, पूरा खर्चा वेस्टीज की तरफ से था और ये हमारी पूरी की पूरी टीम। थाईलैंड में बुद्धा स्टेचू पर है हम इस वक्त और आपको यहाँ का तो थाईलैंड में बुद्धा की प्रतिमा के समक्ष हम लोग आ चुके हैं। पूरी वेस्टीज टीम यहाँ मौजूद है और बहुत बड़ी विशाल काय प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। ये समुद्र की लहरों के बीच का नज़ारा। सारे लीडर्स लीडिंग रोल में टीम फतेहपुर और ये समुद्र की गहराई का नज़ारा। समुद्र की गहराई में मछलियों के साथ अटखेलियां करते हुए वेस्टीज लीडर्स अदर स्टेट से हमारे साथ समुद्र के अंदर गए हुए ये सदस्य हैं जो हमारे दल के साथ मौजूद थे। इसके साथ ही आगे आप देखेंगे मनोज कुमार जी बागास फतेहपुर शेखावाटी से, अजय कुमार जी फतेहपुर बीबीपुर बड़ा से, साथ ही मैं मुबारक अली और डॉक्टर दयानंद जी नेहरा भी इनके बगल में ही यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, एक अलग तरह का अनुभव है। समुद्र में काफ़ी नीचे गहराई से सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए ऑक्सीजन के हेलमेट लगाने के बाद पूरे लीडर्स पूरा ग्रुप सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत ही शानदार
और यादगार लम्हे आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ये नज़ारे हैं थाईलैंड की सड़कों के, एक तरफ काम चल रहा है यहाँ भी, लेकिन बहुत ही शांत यहाँ का परिवहन है। हॉर्न की आवाज़ आप सुन नहीं सकते।